गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो रेफ्रिजरेटर है इसकी डेफिनेशन क्या है देखिए। तो दोस्तों ये रेफ्रिजरेटर की डेफिनेशन देखिए, आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो या फिर दोस्तों ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो। डेफिनेशन क्या देखिए, इट इज़ अ डिवाइस विच क्रिएट्स आर्टिफिशियल कूलिंग। इसका मतलब क्या है कि ये रेफ्रिजरेटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज़ करके दोस्तों हम लोग आर्टिफिशियल कूलिंग कर सकते हैं। एक होता है नेचुरल कूलिंग जो नेचुरली होता है और दूसरा होता है आर्टिफिशियल कूलिंग जो मशीन का यूज़ करके किया जाता है। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन दोस्तों हमें यहाँ पर समझने के लिए ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट अगर साइंटिफिक डेफिनेशन आपको चाहिए तो ये डेफिनेशन लिखनी होगी। इट इज़ अ हीट इंजन दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल वर्क इनटू हीट। तो ये रेफ्रिजरेटर क्या होता है दोस्तों, ये एक ऐसा हीट इंजन है जो मैकेनिकल वर्क को हीट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मतलब कुछ वर्क लेता है और उसको दोस्तों हीट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नॉर्मली जो हमारा ऑटोमोबाइल इंजन होता है वो क्या करता है दोस्तों, वो हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है ना, हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। और ये कैसे करता है ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं, लेकिन ये रेफ्रिजरेटर क्या करता है दोस्तों, ये वर्क को जो है हीट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ओके, मतलब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, ऑटोमोबाइल इंजन जैसे काम करता है ना उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में ये काम करता है। तो ये वर्क का यूज़ करके हीट को प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब क्या है इसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो दोस्तों ये रेफ्रिजरेटर वर्क को हीट में कैसे कन्वर्ट करता है इस डायग्राम से हम लोग यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, तो ये रेफ्रिजरेटर के अंदर दोस्तों एक वर्किंग सब्सटेंस होता है जो कि रेफ्रिजरेंट होता है। ठीक है, तो ये वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है दोस्तों, ये वर्किंग सब्सटेंस देखिए कोल्ड रीजन जो होता है ना, इस कोल्ड रीजन से हीट एब्सॉर्ब करता है, यहाँ से हीट जो है एब्सॉर्ब करता है। ठीक है, मतलब ये ठंडी जगहों को और ठंडा करता है, यहाँ से हीट एब्सॉर्ब करके ठंडी जगहों को और ठंडा करता है। ठीक है, और ये हीट जो है इसने जो एब्सॉर्ब किए यहाँ पर, ये हीट जाके ये यहाँ पर हॉट रीजन में फेंक देता है बाहर। ठीक है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हीट नेचुरली जो है हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ फ्लो करती है ना, हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है नेचुरली। ठीक है, नेचुरली अगर हीट फ्लो करेगी तो वो हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ फ्लो करेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, कोल्ड रीजन से हॉट रीजन की तरफ हीट फ्लो कर रही है। ठीक है, तो ये करने के लिए रेफ्रिजरेटर को दोस्तों वर्क की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ये जो है ना, मान लेते हैं ये कॉम्प्रेसर है, तो यहाँ से ये वर्क ऐड होता है और इसी वर्क के वजह से हीट जो है कोल्ड रीजन से हॉट रीजन की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, अगर ये वर्क नहीं होगा दोस्तों तो ये पॉसिबल नहीं है, कोल्ड रीजन से हॉट रीजन की तरफ हीट को फ्लो कराना पॉसिबल नहीं है। तो ये वर्क की वजह से पॉसिबल होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये वर्क का कन्वर्जन हीट में करता है, ऐसे हम बोलते हैं। तो ये रेफ्रिजरेटर जो है दोस्तों, ये रेफ्रिजरेटर, फिर एयर कंडीशनर, ये रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर, फिर दोस्तों हीट पम्प। ठीक है, ये सारे के सारे जो डिवाइसेस हैं ये क्या करते हैं, कोल्ड रीजन से हॉट रीजन की तरफ हीट को फ्लो कराते हैं। ठीक है, और ये करने के लिए कुछ वर्क की उनको ज़रूरत होती है। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है और इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर ये जो रेफ्रिजरेटर है इसका कंस्ट्रक्शन और इसके वर्किंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ये रेफ्रिजरेटर के अंदर कौन कौन से कॉम्पोनेंट लगे हुए होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर होता है दोस्तों कॉम्प्रेसर, ओके, फिर कॉम्प्रेसर के बाद ये रेड कलर के जो ट्यूब्स हैं इसको बोलते हैं दोस्तों कंडेंसर। ठीक है, ये होता है कंडेंसर। फिर कंडेंसर के बाद यहाँ पर लगा होता है दोस्तों एक्सपांशन वॉल्व। फिर ये ब्लू कलर की जो ट्यूब्स हैं दोस्तों, ये इवेपोरेटर कॉइल होती है, ये होती है इवेपोरेटर कॉइल, ओके, इवेपोरेटर कॉइल होती है ये। फिर इवेपोरेटर कॉइल से वापस कंप्रेसर की तरफ आता है, मतलब जो इसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस होता है जिसको हम रेफ्रिजरेंट बोलते हैं, ये रेफ्रिजरेंट क्या करेगा दोस्तों, पहले कंडेंसर के अंदर जाएगा, फिर ये एक्सपांशन वॉल्व से होते हुए इवेपोरेटर कॉइल के अंदर जाएगा। ये इवेपोरेटर कॉइल जो है फ्रिज के अंदर होती है, ये फ्रिज के अंदर का पोर्शन है। ठीक है, ओके, जहाँ पे हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना है। फिर दोस्तों इवेपोरेटर कॉइल से होते हुए वापस ये कंप्रेसर के अंदर जाएगा और इस तरीके से ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। जब दोस्तों ये वर्किंग सब्सटेंस ये इवेपोरेटर कॉइल के अंदर होता है ना, ये यहाँ से हीट को एब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, हीट जो है एब्सॉर्ब करेगा यहाँ पर। ठीक है, और जब ये कंडेंसर के अंदर जाता है तो ये हीट को जो है बाहर फेंकता है यहाँ पर, ये हीट को क्या करता है, बाहर फेंकता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि ये वर्किंग सब्सटेंस मतलब रेफ्रिजरेंट जब ये इवेपोरेटर कॉइल में आएगा, ठीक है, तो यहाँ से हीट को एब्सॉर्ब करेगा, मतलब ठंडी जगह है ना ये, ठंडी जगह से हीट एब्सॉर्ब करेगा और उसको और ठंडा करेगा, ठंडी जगह को और ठंडा करेगा। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा दोस्तों, ये जब कंडेंसर में आता है तो जो यहाँ से एब्सॉर्ब की हुई हीट है वो यहाँ पे एनवायरनमेंट को दे देगा, बाहर फेंकेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये कमाल होता कैसा है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो ये जो साइकिल है दोस्तों, इस साइकिल को समझने के लिए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो जो रेफ्रिजरेंट होता है वर्किंग सब्सटेंस वो लिक्विड फॉर्म में होता है दोस्तों, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, और इसका जो प्रेशर है वो प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है, ओके, क्योंकि कंप्रेसर से आया हुआ है लिक्विड, तो इसका प्रेशर जो है यहाँ पे बढ़ता है ना, कंप्रेसर क्या करता है, प्रेशर बढ़ाता है। ठीक है, तो इसका प्रेशर यहाँ पर बढ़ चुका है और ये लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है,
और आपको समझने में आसानी हो इसलिए एज्यूम करते हैं कि इसका टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस पे, सिर्फ एज्यूम करते हैं, ये एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है। अब जब दोस्तों ये जो रेफ्रिजरेंट है इसको एक्सपेंशन वॉल से पास किया जाता है ना, तो इसका जो प्रेशर है वो ड्रॉप होता है, यहाँ पर प्रेशर जो है वो बहुत ही गिर जाता है, बहुत ज़्यादा गिर जाता है, और इसके वजह से दोस्तों उसका टेम्परेचर भी गिर जाएगा। प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो भी रिड्यूस होगा। और एक चीज़ होगी दोस्तों, यहाँ पर ये जो लिक्विड है इसका कन्वर्जन हो जाएगा यहाँ पर वेपर के अंदर, ठीक है, ओके। तो ये जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी भी दोस्तों इस पॉइंट पर थोड़े थोड़े लिक्विड के ड्रॉपलेट्स होंगे इसके अंदर, ओके। मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट की वेपर है उसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस हुआ है, यहाँ से यहाँ एक्सपेंशन वॉल में से पास करने की वजह से इसका प्रेशर और टेम्परेचर गिर गया है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो लो प्रेशर वेपर है अगर इस इवेपोरेटिंग कॉइल के अंदर से हम लोग पास करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, ये फ्रिज का कंपार्टमेंट जो है यहाँ का टेम्परेचर जो होगा मान लेते 5 डिग्री सेल्सियस या 3 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, ठंडा होगा लेकिन 5 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा, ठीक है। तो ये जो रेफ्रिजरेंट है यहाँ पे ये क्या करेगा दोस्तों, यहाँ से जो है हीट को एब्सॉर्ब करेगा, ठीक है, यहाँ से ये हीट को एब्सॉर्ब करेगा इसे, ठीक है, और ये हीट को एब्सॉर्ब करने की वजह से जितने भी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स थे लिक्विड के वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये कम्प्लीटली वेपर में कन्वर्ट होता है, इसीलिए इसको इवेपोरेटिंग कॉइल बोलते हैं। तो ये इवेपोरेटिंग कॉइल के अंदर रेफ्रिजरेंट ने क्या किया, यहाँ का जो है कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया, ठीक है, यहाँ की हीट जो है बाहर की एब्सॉर्ब कर ली, ठीक है। अब ये क्या करेगा दोस्तों, ये जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपके पास लो प्रेशर वेपर है, ठीक है। अब दोस्तों ये कूलिंग इफेक्ट फिर से प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो है लो प्रेशर वेपर का कन्वर्जन हाई प्रेशर में करना होगा ताकि फिर से एक्सपेंशन वॉल में इसको भेज सको आप। तो इसका प्रेशर बढ़ाना जरूरी है यहाँ पर, तो इसका प्रेशर बढ़ाने के लिए यहाँ पर लगा हुआ होता है दोस्तों एक कॉम्प्रेसर, ठीक है। तो ये कॉम्प्रेसर क्या करता है दोस्तों, ये लो प्रेशर वेपर जो है इसका कन्वर्जन करता है हाई प्रेशर वेपर में, ठीक है, हाई प्रेशर वेपर में इसका कन्वर्जन करेगा, ठीक है। तो ये लो प्रेशर वेपर जो है हाई प्रेशर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जैसे ही दोस्तों यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज करोगे आप, वैसे दोस्तों क्या होगा, इसका टेम्परेचर भी बहुत इंक्रीज होगा ना, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, मान लेते हैं 90 डिग्री सेल्सियस पे ये चला गया, ठीक है, ओके। तो अब दोस्तों ये 90 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पर भेजना ठीक नहीं है, ये अच्छे से काम नहीं करेगा। तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए फिर से हम एक कॉइल में से उसको भेजते हैं, ठीक है, ताकि ये जो हीट है एनवायरमेंट को दे सके, ठीक है। तो ये जो कॉइल है इसको हम लोग कंडेंसर बोलते हैं। कंडेंसर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है कि ये जो हीट है एनवायरनमेंट को देता है और इसका कन्वर्जन जो है वेपर से लिक्विड में होता है, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि वेपर का कन्वर्जन लिक्विड में होना, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये हाई प्रेशर वेपर ये कंडेंसर में से पास होती है ना, ठीक है, तो इसका लिक्विड में कन्वर्जन होता है और ये जो हीट है एनवायरनमेंट में देते हैं। अब एनवायरनमेंट में हीट लॉस होने की वजह से इसका टेम्परेचर गिर गया, फिर से मान लेते हैं 40 डिग्री सेल्सियस पर ये हाई प्रेशर लिक्विड आपके पास है, फिर से उसको एक्सपांशन वॉल में से पास करेंगे, यहाँ पर उसका प्रेशर और टेम्परेचर गिर जाएगा, ये वेपर में कन्वर्ट होगा। टेम्परेचर गिरने की वजह से क्या होगा, जब इसको आप इवेपोरेटिंग कॉइल में से पास करोगे तो ये अंदर के स्पेस को ठंडा करेगा, मतलब वहाँ से जो है हीट को एब्सॉर्ब करेगा, और यहाँ पर आपको लो प्रेशर वेपर मिल गई। अब इसका प्रेशर बढ़ाना है तो आपको फिर से कॉम्प्रेसर में से इसको पास करना होगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो जब यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाने के लिए इसको कंडेंसर में से पास करना होगा, ठीक है, ओके। तो जब कंडेंसर में से पास करोगे इसको तो हीट जो है एनवायरनमेंट में फेंक देगा ये, ठीक है। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है फ्रिज में कहाँ पे लगी हुई थी, ये कंप्रेसर देखिए आपके फ्रिज में बैक साइड में नीचे की तरफ एक कंपार्टमेंट दिखेगा, वहाँ पे काले कलर का आपको दिखेगा, ये कंप्रेसर होता है, ठीक है। और ओल्ड जो फ्रिज है ना रेफ्रिजरेटर्स, उसमें पीछे की तरफ आपको कुछ कॉइल्स दिखते हैं, वो ये कंडेंसर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों एक्सपेंशन वॉल, ऐसी एक छोटी सी स्प्रिंग जैसी ट्यूब होती है उसको एक्सपेंशन वॉल बोलते हैं, और ये जो ट्यूब्स होते हैं इवेपोरेटिंग कॉइल, ये फ्रिज के अंदर लगी हुई होती हैं, ये आपको नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दोस्तों वर्क करता है। तो रेफ्रिजरेटर का मेन फंक्शन क्या है दोस्तों, ये ठंडी जगह जो है वहाँ से हीट को एब्सॉर्ब करना, ओके, और जो गर्म जगह है वहाँ पर जाके हीट को फेंकना, ठीक है। रेफ्रिजरेटर भी ऐसे ही काम करता है और एयर कंडीशनर भी ऐसे ही काम करता है। तो मान लेते हैं दोस्तों ये जो रेफ्रिजरेंट है इसने यहाँ पे QC अमाउंट ऑफ हीट को एब्सॉर्ब किया, कितनी हीट एब्सॉर्ब की दोस्तों, यहाँ पे मान लेते हैं इसने QC अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब की, और यहाँ पर कंडेंसर में जब आया तब QH अमाउंट ऑफ हीट जो है एटमॉस्फेयर में फेंकी, ठीक है। और यहाँ पे कंप्रेसर को चलाने के लिए आपको वर्क करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं W इतना वर्क आपने ऐड किया, तो इसी वर्क की वजह से दोस्तों हीट जो है कोल्ड रीजन से हॉट रीजन की तरफ फ्लो करती है यहाँ पर। ये अगर वर्क नहीं करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों ये रेफ्रिजरेटर के लिए एनर्जी फ्लो डायग्राम कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये एनर्जी फ्लो डायग्राम में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं ये रेफ्रिजरेटर,
ठीक है, ये रेफ्रिजरेटर है हमारा। ओके, अब ये रेफ्रिजरेटर क्या करता है दोस्तों, कोल्ड रीजन जो होता है हमारा, कोल्ड स्टोरेज जो होता है, यहाँ पर देखिए ये जो कोल्ड स्टोरेज है, ओके, या कोल्ड रिजर्वायर जो है, इस कोल्ड रिजर्वायर से क्या करता है, हीट को एब्सॉर्ब करता है। ठीक है, मान लेते हैं क्यू सी अमाउंट ऑफ हीट इसने एब्सॉर्ब की, ठीक है, और ये हीट क्या करता है, हॉट रिजर्वायर में जाके फेंकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है दोस्तों, एक हॉट रिजर्वायर दिखाना है। तो ये है हॉट रिजर्वायर, जिसका टेम्परेचर एज्यूम करते हैं टी एच है, इसका टेम्परेचर टी सी है। तो ये जो हीट है ये क्या करता है, हॉट रिजर्वायर क्यू एच अमाउंट ऑफ हीट इसने हॉट रिजर्वायर को दे दी। ठीक है, अब ये करते वक्त दोस्तों बीच में वर्क भी तो ऐड होता है। ठीक है, तो वर्क क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो है वर्क ऐड होगा, रेफ्रिजरेशन में रेफ्रिजरेटर को हम वर्क ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने रेफ्रिजरेटर का कंस्ट्रक्शन देखा और उसकी एनर्जी फ्लो डायग्राम के बारे में हमने बात किया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम रेफ्रिजरेटर के कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।